सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कड़वा सत्य। जन्म होने पर बांटने वाली मिठाई से शुरू हुआ जिंदगी का यह सफर श्राद्ध की खीर पर आकर खत्म हो जाता है और यही जीवन की मिठास है। बहुत ही दुर्भाग्य की बात यह है कि इंसान इन दोनों मौके पे ये दोनों चीजें नहीं खा पाता। जिंदगी का क्या है, आकर नहाए और नहाकर चले गए। किसी को हद से ज्यादा भाव मत दो, कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगे। अपने मार्ग में आने वाली हर विघ्न को उन्नति की ओर ले जाने वाली सीढ़ी समझें। आज का पंचांग 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि सुबह 11:24 तक रहेगी। इसके उपरांत अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। रेवती नामक नक्षत्र रात्रि 11:53 तक रहेगी। इसके उपरांत अश्विनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:18 से 1:54 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मीन राशि पर रात्रि 11:53 तक रहेगी। इसके उपरांत मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। सिंह राशि 19 अप्रैल 2023 दिन बुधवार। आज का दिन सभी भावनात्मक और वास्तविक मुद्दों के मामले में उतार चढ़ाव भरा रहेगा। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि आप सुबह भावनात्मक बने रह सकते हैं और सब चीजों के बारे में अपनी भावनात्मक प्रतिक्रिया के नजरिए से ही सोचेंगे। इससे कुछ गलत फैसलों की भी संभावना है, लेकिन शाम तक सब ठीक हो जाएगा और आप और स्पष्ट तरीके से सोच और देख पाएंगी। इस राशि वाले के नौकरी पेशा कारोबारियों और व्यापारियों के लिए दिन काफी भागदौड़ वाला रहेगा। काम धंधे के समय व्यापार में आज व्यापारिक प्रतिस्पर्धा करेंगी, जिसके चलते अत्यंत कम मुनाफे पर अधिक से अधिक मात्रा में बिक्री करने पर जोर रहेगा और टर्नओवर स्लैब के अनुसार स्कीम के माध्यम से मुनाफा कमाने पर जोर रहेगा। इस राशि के नौकरी करने वाले जातकों का काम आज सुचारू रूप से चलता रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो सिंह राशि वालों के घर परिवार के सभी सदस्यों की खुशियां बढ़ेगी। पति पत्नी के मध्य संबंधों में मधुरता आएगी और नजदीकी बढ़ेगी। संतान की शिक्षा या किसी प्रतियोगिता में सफलता मिलने से मन प्रसन्न होगा। संध्या काल के समय प्रिय व्यक्तियों का दर्शन और शुभ समाचार मिल सकता है। आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं घूमने फिरने जाने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से माहौल खुशनुमा रहेगा और कला कौशल को बल मिलेगा। सावधानियां। जो लोग विदेशों से व्यापार कर रहे हैं उन्हें सावधानी बरतनी होगी, नहीं तो वह किसी डील को फाइनल कर सकती हैं। आप अपने व्यवहार में मधुरता बनाए रखें, नहीं तो आपके कुछ कामों में समस्या आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आप आज अपने पार्टनर के लिए अपना प्यार काफी खर्चीले तरीके से सार्वजनिक रूप से दिखा सकती हैं। आप अपने पार्टनर की उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रख सकती हैं। इन योजनाओं में छोटी मोटी बधाई आ सकती है, लेकिन आपके पार्टनर को उनकी खुशी में आपके शामिल होने पर आपके गहरे प्यार को लेकर कोई संदेह नहीं रह जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज एक अप्रत्याशित अवसर आपके कार्य क्षेत्र में आ सकता है और आपको उसे पकड़ने में संकोच नहीं करना है। अत्यधिक विलंब इस अवसर को गवा सकता है और आप एक धन रूपी अवसर को खो सकते हैं। यह अवसर आपको कोई पुराना जानकार या एकदम अपरिचित व्यक्ति भी आपके पास ला सकता है। यह समय फिर जोखिम लेने का है जो कि आपको लाभ देगा। बात करते हैं सेहत की। आज आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि केवल जीवन शैली में छोटे मोटे बदलाव लाने भर से ही आप अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। जिस आदत के बारे में आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसे छोड़ दें। आप अपने भीतर उसे छोड़ने की ताकत महसूस कर सकती हैं। अगर आप पहले से ऐसी कोई आदत छोड़ चुके हैं तो अब आपको इन बदलावों का अच्छा असर अपने शरीर और मन दोनों पर दिखना शुरू हो जाएगा।
आज का उपाय, संकटों से मुक्ति के लिए संकट नाशक गणेश स्त्रोत का जप करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।